कमलनाथ को सीएम बनाने के लिए शमशान में तंत्र किया। इंदौर विधायक संजय शुक्ला ने भी कराया अनुष्ठान, 9 दिन तक चलेगी तंत्र क्रिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर से। उज्जैन का शमशान नवरात्रि में तंत्र साधकों के लिए सबसे बड़ा केंद्र होता है। यहां पर देश भर से आए तांत्रिक तंत्र क्रिया करते हैं, लेकिन इस बार चुनावी माहौल में तंत्र साधना न सिर्फ प्रत्याशियों के लिए तंत्र साधना कर रहे हैं, बल्कि पीसीसी चीफ कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए शमशान में देर रात तक पूजन पाठ के साथ तंत्र क्रिया भी कर रहे हैं। उज्जैन के शिप्रा नदी किनारे मंगलवार आधी रात को चक्रतीर्थ शमशान में जल रही चिताओं के पास आधा दर्जन तांत्रिक तंत्र क्रिया कर रहे थे। मंत्रोच्चारण के साथ डरा देने वाली आवाजों के बीच हवन सामग्री, नींबू शराब सहित पूजन पाठ का सामान रखकर भैरव भगवान की मूर्ति के पास प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का फोटो लगाकर सभी तंत्र साधकों ने तंत्र क्रिया की। तंत्र साधक भैयू महाराजा ने बताया कि कांग्रेस सरकार को बनाने के लिए विजय अनुष्ठान किया जा रहा है। पूर्व में हुई विधायकों की खरीद फरोख्त इस बार ना हो, इसके लिए भी पूजन कर रहे हैं। ये पूजन गुप्त रूप से साधक करवा रहे हैं। नवरात्र के पहले दिन रविवार को इंदौर 1 से विधायक संजय शुक्ला की जीत के लिए भी विजय अनुष्ठान किया गया। अब कमलनाथ के लिए किया जा रहा है, जो कि 9 दिनों तक चलेगा। उज्जैन का शमशान ही क्यों, उज्जैन शहर में महाकाल दक्षिण मुखी विराजित है, जो की तंत्र साधकों के लिए सबसे फलदायी माने जाते हैं। तांत्रिक मानते हैं कि चक्रतीर्थ पर की गई कोई पूजा विफल नहीं होती। इससे पहले कई राजनेता की जीत के लिए पूजन करवा चुके हैं, सभी में पूर्ण फल की प्राप्ति हुई है। इस बार कांग्रेस के साथ प्रत्याशी भी क्रिया पूजन करवा रहे हैं, हालांकि इनके नाम गुप्त रखने को कहा गया है। क्या है विजय अनुष्ठान? तंत्र क्रिया करने वाले भैयू महाराजा ने बताया कि जीत के लिए बगला मुखी भैरवी भैरव पुतली साधना के साथ विजय अनुष्ठान किया जाता है। ये तंत्र क्रिया 9 दिन तक सतत चलेगी। पूजन करीब 9 बजे रात को शुरू होकर रात 1 बजे तक चलेगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।